नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा इन दिनों नशे के काले कारोबार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और इसी के अंतर्गत सागर के राहतगढ़ पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 30 पेटी शराब जिसकी कीमत 1,20,000 के करीब बताई जा रही है के साथ ब्लोरो और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, सागर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और SDOP के निर्देशन में शराब के खिलाफ छेड़ी गई कार्रवाई के अंतर्गत राहतगढ़ थाना प्रभारी आशीष सप्रे के नेतृत्व में राहतगढ़ पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर गाड़ी की तलाशी की गई, जिसके बाद 30 पेटी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में ब्रज किशोर रावत पिता गौरी शंकर रावत उम्र 52 साल निवासी जेल रोड खुरई, मोहित उर्फ मोनू पिता गणेश लाल यादव उम्र 28 साल निवासी आजादपुर हनुमान मंदिर के पीछे और बिक्की उर्फ विकास पिता प्रसाद गंधर्व बेड़िया उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्रमांक 18 को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ अपराध क्रमांक 126/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है एवं इस संपूर्ण कार्रवाई में उपरोक्त अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही साथ आबकारी विभाग की भी विशेष भूमिका रही। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं खबरदार न्यूज के रिपोर्टर राहतगढ़ से सलमान कुरैसी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। जी के रायसेन तरफ से एक बोलेरो गाड़ी आ रही है जिसमें अवैध शराब भरी हुई है। उस सूचना पर तत्काल फोर्स को रवाना किया, जिन्होंने लालबाग के पास में जो पुराना टोल टैक्स है वहाँ पर रोका, गाड़ी को चेक किया तो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे ड्राइवर साइड और उसमें पीछे की तरफ और बीच की सीट में शराब भरी हुई थी। वहाँ पर मौके पर चेक किया तो 30 पेटी इसमें लाल मसाला की शराब भरी हुई थी, इसको मौके पर जब्त किया। आरोपी को गिरफ्तार। तो इसकी कीमत कितनी? इसकी कीमत करीब 1,20,000 के समथिंग इसकी कीमत है। आरोपी कौन कौन है? आरोपी इसमें 3 है, इसमें ब्रज किशोर रावत है और मोहित यादव और बिक्की गंधर्व, ये 3 आरोपी है। किस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? ये 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और अभी इसमें पूछताछ जारी है कि ये कहाँ से ला रहे थे माल, किसको देने जा रहे थे और कौन कौन इसको पीछे, इसके सारी चीज़ों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इसके बाद इसको माननीय न्यायालय पेश किए जाएंगे। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।